merciful merciful Lord, merciful God, who appreciates your istighfar, your zikr, your salat. So that's it. So he will give you all. Rabbana. Hazrat Masood कहते थे कि रहमान फिर दुनिया और रहीम फिर आखिरत. So that's it. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that Yasin, he said everything has a heart, and the heart of the Quran is Yasin. And it was explained to me that this ayat 58, Salam Kalam Mir Rabbi Rahim, it's the heart of Yasin. MashaAllah, MashaAllah. Allah subhanahu wa ta'ala, jazakallah khair. Wonderful, brother, wonderful. MashaAllah. Okay, so ye from 55 to 58, kaun log hain? Ye Allame ke mehman jo achhe mehman hain. और जो दूसरे गबर लोग हैं जो आज उल्टी से सवालत कर रहे हैं उनका बयान कहाँ है? ख़त्म कर रहा हूँ मैं. उनका बयान है 59 से लेके 63 तक. आगे आगे भी क्या होगा लेकिन मैं फिलहाल यहाँ तक करता हूँ. वम ताजुल योम अयोहल मुजरिमून, तुम अलग हो जाओ ए मुजरिमून. उनका क्या क्रिस्टन अलग सीधे यू विल बी सेपरेट और क्रिमिनल्स यू विल बी सेपरेट. फिर उनसे पूछेगा क्योंकि है तो सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद. फिर अल्लाह मैं उनसे पूछेगा अलम आहद इलैकुम ओ चिल्ड्रन ऑफ आदम, डिड आई नॉट गिव दिस प्रॉमिस टू यू, व्हाट इज कवरेंट बिटवीन यू एंड मी, व्हाट आई हैड सेड टू यू, आई हैड सेड टू यू ला ताबुदु शैतान, शैतान की बंदगी मत करो. तो जो आदमी अल्लाह का कहना नहीं मान रहा है वो शैतान की बंदगी, या तो तुम अल्लाह के बंदे हो और या शैतान के बंदे, बस दो नहीं. इस आयत ने जो एनालिसिस की कि वैसे तो अल्लाह में खुद भी कहता है कि तुम फला के बंदे हो, झूठे झूठे खुदाओं के, लेकिन अल्लाह का कारण नहीं, या तो सच्चा बंदा मेरा है और या शैतान. तो अल्लाह ताला ये कहेगा अलम आहद इलैकुम, ए बनी आदम क्या मैंने तुमसे ये अहद नहीं लिया था, यूँ कर क्या मैंने तुमसे ये अहद नहीं लिया था कि तुम शैतान की बंदगी नहीं रहोगे, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है. सब बता दिया था दुश्मन, तो देखो शैतान खुला हुआ दुश्मन है, उसे कह रहे हैं फिर भी तुमने ये किया. मेरा अहद क्या था तुमसे? वो अनअबुदुनी, मेरी बंदगी करना. द कवनेंट बिटवीन मी एंड यू वाज दिस दैट यू विल वर्शिप मी एंड मी अलोन एंड यू विल नॉट वर्शिप शैतान, बट यू वर्शिप शैतान यू फॉलो हिम. हाजा सिरातुल मुस्तकीम, सीधा रास्ता क्या है कि अल्लाह की बंदगी. हाजा सिरात मुस्तकीम का मतलब है हाजा सिरात मुस्तकीम, कैसे समझे सर? व्हेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज हाजा सिरात मुस्तकीम, मतलब इज हाजा सिरात, दिस इज द वे स्ट्रेट, दिस द होली कुरान, दिस इज इन माय हैंड, या माशाल्लाह. हाजा सिरात, व्हेयर डज दैट मीन दैट दिस कुरान इज एज यू सेड द अदर डे वी हैव टू कीप व्हाट इज सेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन द कुरान. ओके ओके वेट, ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये कहाँ से निकल रही है? कुरान से निकल रही है ना. कुरान ये कह रहा है हमसे आज कि अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान, ओ बनी आदम डू नॉट वर्शिप शैतान, ही इज़ ओपन एनिमी. ओके, ये कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है. यस, वो अने बुदूनी, और ये कह रहा है कि मेरी बंदगी करो. हाजा सिरात मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है, समझे ना. तो ऐसा है कि सीधा रास्ता क्या है? सिर्फ अल्लाह की बंदगी की जाए. yes. अगर आप एसेंस चाहें, है ना, लेकिन उस सीधे रास्ते को ये समझा रहा है. In Surah Anam, at many places, मेरी इबादत करना कुरान थोड़ी कहेगा कि मेरी इबादत करना कुरान थोड़ी कहेगा, अल्लाह ताला कहेंगे. हाँ नहीं, ये कह और ये कि मेरी इबादत करना यही सीधा रास्ता है. देखिए हमने ये दुआ मांगी नमाज में जब खड़े हुए, या का नाम दो या का नस्तईन, फिर मैंने दुआ क्या मांगी? एहद नस्ला. yes. फिर अल्लाह मैंने क्या कहा? अल्लाह मैंने कहा अलिफ लाम मीम जान को किताब में जगह और ये बात भी है, मगर ये बात आपसे सही कह रहे हैं कि यहाँ पर इतना क्लियर नहीं है. खैर एनीवे,
your laqad adalla minkum jibillan kaseera, verily एक तो आप ये समझ लीजिए कि शैतान की और मुखालफीन की सारी कोशिश जो है वो कुरान से हटाने की है, समझे ना, और सारी बात जो कुरान इस्तबला रहा है, मजाक उड़ा रहे हैं कुरान का, जो जो कुछ कर रहे हैं, तो वो चीज़ होता है। तो ये जिस तरह की तरफ कुरान बढ़ा रहा है, जिसमें सेंट्रल पॉइंट है वो है सिर्फ एक अल्लाह की भक्ति हो कर अल्लाह की भक्ति हो, जिसका सेंट्रल पॉइंट है ये सिर्फ कोशिश, समझे ना। It's like this ayat, it takes you all the way back to the Umm al-Kitab, all the way back to Yakin Abud or Yakin Astaheen. It's talking about, you know, that's the straight way. You know, this is what the Quran is about, and it's the Umm al-Kitab, it says that. You know, Surah Al-Fatiha. So, in my opinion, we close kar de hum. This is the Jahannam, yeah. तो दाखिल हो जाओ आज इसमें, बसो अपने कुफ्र के। कुफ्र के क्या माने हैं? हाँ, कुफर के माना ये है कि कुरान ने आके कहा कि मैं अल्लाह की किताब